अस्सलाम वालेकुम। मजमून खेले करे सीखे में हम सबक पढ़ रहे हैं रक्स। रक्स नाम सुनते ही हमारे जहन में भरतनाट्यम, मुद्रा, कथक डांस, कथकली और बहुत सारे डांस हमारे स्टेप्स हमारे जहन में आते हैं। पिछले समय हमने देखा कि हमारे हाथ की उंगलियां कितनी हैं, उनके कौन कौन से नाम हैं। वो इसलिए क्योंकि भरतनाट्यम, मुद्रा और कथक में जो हरकत, जो एक्शंस जो होते हैं उनको क्या कहते हैं वो हम आज देखेंगे। सबसे पहले तो आपने इस हरकत को देखा होगा। इस हरकत जैसे ही कोई अगर डांस या रक्स करना शुरू करता है तो सबसे पहले ऐसे करता है, तो इसे कहते हैं अंजलि। क्या कहते हैं? अंजलि। उसके बाद ऐसे करता है, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे कहते हैं परचम। उसके बाद जो आती है शक्ल वो आती है त्रिशूल, इसे कहते हैं त्रिशूल। इसे कहते हैं चोटी, इस तरीके से है ना, इसे चोटी कहते हैं, शिखर। उसके बाद ये एक हरकत आती है जिसे कहते हैं मछली, है ना, मछली की तरह। उसके बाद में ये एक हरकत आती है जिसे कहते हैं गरुड़। इस तरीके से ये एक शक्ल होती है, जैसे हम देखते हैं ना ऐसे करते हैं, है ना, तो ये एक शक्ल होती है, इसे कहते हैं अलपद्मा। क्या कहते हैं? अलपद्मा। ऐसे बहुत सी शक्ल आप देखते होंगे, इस तरीके की शक्ल होती है, इस तरीके की शक्ल होती है, ऐसी शक्ल होती है। इन सब हरकत को, इन सब शक्लों को भरतनाट्यम, मुद्रा या फिर कथकली में इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया।